तीन बजे। का नाम वही है सर। बिग बॉस खत्म हो चुका है, बिग बॉस में तेजस्वी जी जीत चुकी है, काफी अच्छा रहा सीजन आपके लिए, काफी अच्छा रहा, शॉकिंग खबर भी आई, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस सीजन को लेके? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ेदार रहा, लोगों को पसंद आया। अब खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, आगे की तैयारी। अभी तो अपने दोस्त से मिलने आया हूँ सिद्धार्थ कनन, और बाकी चीज़ें चल रही हैं। एंड बिग बॉस ऑलवेज सबको पता है, बिग बॉस के पीछे आपका हाथ है, बिग बॉस की वॉइस ओवर्स आप हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिग बॉस इज अ वेरी बिग शो सर, सो हाउ What are your experience working as a Big Boss narrator? पहली बात तो मेरा कोई हाथ नहीं है शो के पीछे, मैं सिर्फ एक आवाज़ हूँ और मैं कमांड फॉलो करता हूँ, जो मुझे मिलती है, जो मुझे लिख के दिया जाता है मैं बोल देता हूँ। ऑफकोर्स एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है, हर साल बहुत अच्छा रहता है, इतने बड़े शो के साथ जुड़े होना वो अपने आप में कमाल की बात है, और इतने साल से 12 साल हो गए फिर तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, कमाल का एक्सपोजर रहा है। एंड एक ही वर्ड है जिसमें सम अप कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, यही 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 शब्द निकलते हैं। एंड बिग बॉस की हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो आपको कौन ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छा खिलाड़ी था बिग बॉस की हिस्ट्री में, एक ऐसा प्लेयर? देखिए इवेंचुअली अंत में व्हाट मैटर्स इज कि लोग शो को कितना पसंद कर रहे हैं तो, और दूसरा क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं शो में तो हमारा न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल सोच रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये कहना कि कौन एक कोई जिस पे पिन पॉइंट करना वो थोड़ा सा नाइंसाफी होगी बाकियों के लिए। लेकिन एज एन ऑडियंस जब मैं देखता था तो सीज़न 1, 2, 3 मैंने एज एन ऑडियंस देखा, मैं तब शो से जुड़ा हुआ नहीं था। और राजा चौधरी और राजू श्रीवास्तव ये दो ऐसे कंटेस्टेंट जो मुझे शायद मैं नहीं भूलूंगा, तो ये दो कंटेस्टेंट मेरे ऑल टाइम फेवरेट। एंड इस ईयर की कंटेस्टेंट की बात करूँ तो तेजस्वी एंड करण काफ़ी चर्चा हुई, अब तक चर्चा चल रही है, तो आपने काफ़ी क्लोजली उस जोड़ी को देखा, आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस तेजस्वी और करण के बारे में? आई विश देम ऑल द बेस्ट, तेरा सडन बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं शो में उम्मीद है कि वो आगे जाएं और उनको अच्छा काम मिले। एंड हाउ यू आर मिसिंग बिग बॉस नाउ? लाइफ गोज ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, अब दूसरे शोज चल रहे हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट है, सारेगामापा है, उसमें आवाज़ दे रहा हूँ, और बाकी कोशिश जारी है वेब सीरीज़ और फिल्म्स के उसमें। एंड आफ्टर फ्यू डेज देयर इज़ वन मोर रियलिटी शो लॉकअप इज कमिंग अप एंड विच इज़ कंगना मैम इज होस्ट। जी जी, सो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस शो टू वॉच इट? इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एंडमोल, सो आई विश द टीम ऑल द बेस्ट एंड विश एवरीवन एसोसिएटेड ऑल द बेस्ट। And what are your upcoming projects? Any movies, any OTT platforms? एक वूट के लिए वेब सीरीज़ है जो हम लोग अगले महीने शूट करने जा रहे हैं, एक छोटी सी फिल्म है जो अभी अभी न्यूज़ आई है कि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उसको जो है बैक कर दिया है, तो ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एंड बिग बॉस का नेक्स्ट सीजन कब देखने मिलेगा सर? कोई ख़बर नहीं इस बारे में, कोई आइडिया नहीं। थैंक यू सो मच सर। एंड बिग बॉस की वॉइस आपसे आना चाहूँगा। दोपहर 3 बजे तो जनरली ये आवाज़ आप सुनते रहते हैं, मैंने इसीलिए रिमाइंड करा दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।